इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की जीत के बाद रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। ट्रंप को बधाई देने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, ये बड़ा बयान जारी किया गया है रूस की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ट्रंप की जीत के बाद एक तरफ तो बधाई देने वालों का भी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कहा गया है कि पुतिन ट्रंप को बधाई देंगे, इसकी जानकारी नहीं है क्रेमलिन की तरफ से, नीति और नियत देखकर बधाई देंगे। रूस ने बधाई देने को लेकर यह अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है, अमेरिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रूस के खिलाफ युद्ध में है, और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी हम इंतजार करेंगे और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और चलिए इसी से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। और वीना सिकरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब रूस का जो ये रुख है, एक तरफ तो बधाइयां दी जा रही हैं, ट्रंप जिस तरीके से इतिहास रच रहे हैं, एक बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, इस बीच रूस का ये बयान किस तरह से देखा जाए इसे? उनकी तरफ से तो ये बयान सही है, क्योंकि उन्होंने, वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन के मौके दौरान में कहा है कि वो जो यूक्रेन और रूस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका वो खात्मा करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इसको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हम जानते भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के पहले अच्छे रिश्ते थे और अच्छी समझौता थी उनमें। लेकिन इस वक्त जो है वेस्ट की तरफ से, अमेरिका, यूरोप, नेटो, सब की तरफ से यूक्रेन की पूरी सहायता में लगे हुए हैं, उनको वेपन्स दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट पुतिन को ये आश्वासन नहीं मिलता कि ये सब चीज़ें अब कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता, तो वो उन्होंने कहा है कि हम चुप रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, ना तो इधर इस तरफ कहेंगे ना उस तरफ कहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले कहा है कि वो युद्ध के का खात्मा करने के लिए तैयार हैं, वो डिप्लोमेटिक डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कुछ बयान आएगा और ये बात जो है आगे चलेगी डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ में। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, कई बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिले हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे रिश्ते हैं, अच्छा समझौता है। तो उम्मीद तो पूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन प्रॉमिस था, इलेक्टोरल प्रॉमिस था, वो पूरा किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।